मांग रहा है, कहता भैया अमीर आदमी जब अपनी जमीन बेचता है उसे मार्केट रेट मिलता है। मैं किसान हूं, मुझे जमीन का सही कीमत चाहिए, ठीक है मार्केट रेट मत दो, सही दाम दो। सरकार क्या कहती है, हटा दो इसको यहां से, फेंक दो इसको यहां से। जब मैं वहां गया भट्टा पसौल, क्या कहा मुझे सरकार के अधिकारी ने, क्या कहा राहुल जी यहां क्यों आया? मैं इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है। राहुल जी यहां किसानों पे अत्याचार नहीं हो रहा है, यहां नक्सल लोग आए हुए हैं, नक्सलवाद है यहां पे भट्टा पसौल में, इसलिए हमने यहां गोली चलाई। मुझे कहा, मैंने कहा मायावती जी आप दलितों की नेता है, जाइए देखिए दलितों पे क्या हुआ वहां पे, जाइए देखिए, देखिए गरीबों पे क्या हुआ वहां पे। मायावती जी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, मैं गया, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए, मायावती जी नहीं गई, मैं गया। मैंने कहा कि यहां पे भूखा है, प्रधानमंत्री के पास गया कांग्रेस पार्टी के लोगों को और कहा प्रधानमंत्री जी यहां भूखा पड़ा है, घर बंद पड़े हैं, महिलाएं हो रही हैं, पलायन हो रहा है, यूपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है, दिल्ली की सरकार को कुछ करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है मदद करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने दो दिन में कहा 3,000 करोड़ रुपए भेजो, 3,000 करोड़ रुपए भेजो, किसके लिए भेजा? किसान के लिए भेजा, दलित के लिए भेजा, मजदूर के लिए भेजा, गरीब के लिए भेजा। क्या हुआ? हाथी खा गया, पैसा हाथी खा गया। मायावती जी दलितों की नेता है, सबसे ज्यादा मुश्किल बुंदेलखंड में दलितों को हुई। मैंने बात की उनसे, उन्होंने मुझे कहा कि राहुल जी आप यहां आए, मायावती जी जो सीएम है यूपी की वो क्यों नहीं आई, मुझसे पूछा। मैंने उनको कहा जाकर मायावती जी से पूछिए, मैं नहीं जानता हूं। देखिए दो कमी है यूपी के नेताओं में, सबसे बड़ी कमी आपके घर नहीं आते, आपके बीच में नहीं आते। मैं जाता हूं घरों में, आता हूं आपके घर का भोजन खाता हूं, जो आधी रोटी खाते हो ना उसका आधा दे देते हो मुझे, कुएं का गंदा पानी पी लेता हूं, कभी लगता भैया बीमार हो जाऊंगा, मैं कहता हूं अच्छी बात है, बीमार होना चाहिए, बीमार होना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जानकारी होनी चाहिए गरीब लोगों को क्या पीना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अच्छी बात पी लेता हूं। आपकी जो नेता है, जो नेता है गांव में नहीं आते हैं, गरीबी अपनी आंखों से नहीं देखते, पिछड़ापन नहीं देखते, लखनऊ में रहते हैं, कुएं का पानी नहीं पीते हैं, और फिर कहते हैं बड़े बड़े स्टेज से कहते हैं रोजगार के अधिकार की कोई जरूरत नहीं है, भोजन के अधिकार की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बुंदेलखंड में देखा अपनी आंखों से, भूखे लोग देखे हैं, बात की है उनसे, इसीलिए भोजन का अधिकार ला रहे हैं। आप 22 साल लिए आपने यूपी के सरकारों को, 22 साल युवाओं को भविष्य बताया, आज की सोचते हैं, दूसरी कमी आज की सोचते हैं, कल की नहीं सोचते हैं। कहते भैया दिल्ली की सरकार पैसा भेज रही है, चलो लूटो, मनरेगा में पैसा भेजा लूटा, स्वास्थ्य प्रोग्राम में हजारों करोड़ रुपए भेजे, जब हमने स्वास्थ्य का पैसा भेजा शुरू किया लखनऊ में, आप जानते हो क्या हुआ, जानते हो, मंत्रिमंडल को दो भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया, क्यों कुशवाहा जी को वहां क्यों बैठाया गया, क्योंकि वो आपका
का पैसा लूटे, इसीलिए बैठाया गया, इसीलिए मंत्रिमंडल को दो भाग में किया गया। आज कुशवाहा जी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, कह रहे हैं बचाइए बचाइए, सीबीआई पड़ी हुई है पीछे, हजारों करोड़ रुपए आपका चोरी किया, 5 साल चोरी किया। कुछ दिन पहले 4 मंत्रियों को हटाया, कितने दिन बचे थे इलेक्शन के लिए, कितने दिन बचे, 1 महीना बचा है, 5 साल के लिए चोरी की, 1 महीना पहले हटा रही है, 4 लोगों को हटा रही है। अच्छा, जिनको हटाया उनका पोर्टफोलियो एक और मंत्री को दे दिया, एक और प्रेस मंत्री को दे दिया, 5 साल क्या दिया, 5 साल चोरी की इन्होंने, इनको 5 साल पहले क्यों नहीं हटाया, ये किसका बेवकूफ बना रही है। यूपी की जनता होशियार है, जानती है, अगर आपने सचमुच में हटाना था 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले क्यों नहीं हटाया, आज क्यों हटाया, आपको जानकारी नहीं थी कि 4-5 साल भ्रष्टाचार कर रहे थे, आप ही लोग, आप ही ने तो इनको बताया है यहां पे, मैंने थोड़ी बताया है, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी बताया है। बदलाव का समय आ गया है, 22 साल गए आपने, अब 5 साल कांग्रेस को दो, आंध्र प्रदेश को बदला, महाराष्ट्र को बदला, हरियाणा पंजाब इन सब प्रदेशों को बदला, दिल्ली आप जाते हो हर 6 महीने बदल जाती है, मुंबई में काम करते हो महंगी करके आ जाती है, ये यहां हो सकता है, आप कर सकते हो, अपने आप में भरोसा करो, उन नेताओं में भरोसा करो जो दूर की बात करें लंबी बात करें। हाथ में मोबाइल है, दिखाओ मुझे, ये कब मिला आपको मोबाइल, 4 महीने पहले मिला, मगर जिस पॉलिसी में आपके हाथ में मोबाइल डाला, 20 साल पुरानी पॉलिसी है, राजीव गांधी जी लाए थे जब उन्होंने कंप्यूटर की बात की थी, टेलीफोन की बात की थी, और विपक्षी दल ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, विपक्षी दलों ने कहा राजीव गांधी पागल हो गया है, पागल हो गया राजीव गांधी, गांव में कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, गांव में फोन की जरूरत नहीं है, पागल हो गया राजीव गांधी, पागलपन का नतीजा देखो, 20 साल में देखो नतीजा, गांव में फोन है, जहां भी आप फोन करना चाहते हैं कर सकते हो, पागलपन का नतीजा है ये। जब कोई लंबे तौर पर सोचता है, जब कोई कहता भैया आगे का सोचो, यूपी को बदलो, विकास की बात करो, स्कूलों की बात करो, शिक्षा की बात करो, तो वह पागल बनाया जाता है। जब कोई जाता है, आपके बीच में जाता है, गांव में जाता है, आपका पानी पीता है, खाना खाता है, कहते भैया ये क्या हो गया, नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, पूरी जिंदगी नाटक करूंगा, ये जितना ये कहेंगे उतना और जाऊंगा। ध्यान रखो, मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, कान खोल के सुन लो, चुनाव जीतने नहीं आया हूं, उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं, और मैं खड़ा हूं यहां पे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, मैं खड़ा हूं, बदलूंगा इसको, आपके साथ बदलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। अब आप बदलाव लाओ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, अपने हाथ खोलो, अपने हाथ खोलो, महाराष्ट्र को बदल दिया आपने, दिल्ली को बदल दिया, हरियाणा पंजाब को बदल दिया, अब उत्तर प्रदेश को बदलो। धन्यवाद, जय हिंद।